साढ़े चार पौने पाँच साल होने जा रहे हैं, चंद दिनों बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। मैं दिल खोल के कह रहा हूँ और पूरे दमदार से कह रहा हूँ और अपनी समस्त मातृभूमि और अपने भाइयों से और कस्तूरबा के समस्त कर्मचारियों के साथ ये सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि माननीय जावड़कर साहब, जैसे तीन राज्यों में तुम सफाया हो गए, ऐसे हिंदुस्तान से सफाया हो जाओगे अगर कस्तूरबा के कर्मचारियों को आप हिम्मत नहीं दिलाओगे और उनको भरोसा नहीं दिलाओगे और उनका हक नहीं दिलाओगे। बाकी रही बात उसकी, तो भाइयों सभी से मेरी एक अपील है और अपील के साथ साथ करबद्ध निवेदन भी है कि अपने अपने जिले से ज़्यादा संख्या में लोग आए। जब हम जितने ज़्यादा संख्या में लोग होंगे उतने ही जो है शासन प्रशासन सब लोग सुनेंगे। उसके लिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया और सम्मानित समस्त पदाधिकारीगण और जो अन्य प्रदेश से जो लोग दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो कम से कम समय निकाल करके इतनी दूर से अन्य प्रदेश से यहाँ पे हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें दूसरे प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से मिल रही है। अभी मैंने तीन दिन पहले पढ़ा था कि वहाँ पुरुषों को निकाल दिया जाएगा, केवल महिलाएं रखी जाएंगी। ये बात भी सब बिल्कुल झूठी है और कोरे कागज पे झूठी है। उसमें साफ लिखा था वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि कोई भी पुरुष किसी भी कस्तूरबा गांधी से निरंतर अगर इतने वर्ष कार्य कर रहा है तो कोई नहीं निकाला जाएगा और ना ही कोई निकाला जाएगा। लेकिन केवल हम लोग अपना धैर्य बनाए रखें और उत्साह के साथ ना तालियों में कंजूसी हो, और तालियां कोई हम अपने लिए नहीं बजवा रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं बजवा रहा हूँ, तालियां आपके लिए बजवा रहे हैं। जिस रसोईया को 3,000 या 5,000 रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपए में आपको अगर प्राइवेट दुकान पर सुबह से 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कराएगा वो भी आपको 5,000 देने वाला नहीं है। 24 घंटे आप वार्डन और फुल टाइम टीचरों से आप काम लेते हैं, अरे जिलाधिकारी महोदय बताएं, हैं प्रधानमंत्री जी बताएं, वो 24 घंटे अपने ऑफिस में बैठे काम करते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है? क्या केवल एक कस्तूरबा गांधी एसोसिएशन के कर्मचारी ही ऐसे हैं जिनको आप जैसे चाहोगे तैसे निचोड़ोगे और जैसे चाहोगे तैसे उस पर डंडा लाठी पटकारने का और दबाने के, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करोगे? लेकिन नहीं, हम लोगों के साथ में टीम इतनी बढ़िया है और टीम इतनी अच्छी है कि हम आवाज़ प्रधानमंत्री जी आपकी दबा देंगे, लेकिन कस्तूरबा गांधी कर्मचारी अपनी आवाज़ सबने नहीं देगा किसी भी कीमत पर।